press the bell icon on the YouTube app and never miss. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िला खान जी, और ये दोनों मिलके अपने ही मजहब यानी पीसफुल कम्युनिटी को एक्सपोज करेंगे और उनकी सच्चाई बताएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अवेसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग और मुसलमान समाज के ठेकेदार बने हुए भारत के लोग बड़े चिंतित हो गए हैं, बड़े बड़ी परेशानी में आ गए हैं और बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि अगर खालिद मिशाल मर जाता है तो कहीं ना कहीं भारत में बैठे ये आतंकवादी मुसलमान जो आधार कार्ड पॉकेट में भारत का लेकर के घूमते हैं, जो योजनाएं मोदी जी की लेते हैं और सुरक्षा इसी भारत की सेना से लेते हैं और गुणगान खालिद मिशाल का गाते हैं, कहीं ना कहीं कमजोर तो हो जाएंगे। तो खालिद मिशाल के मरने की खबर पर आंसू सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बहा रहा है, हमारे भारत में बैठे हुए कई लाखों करोड़ों मुसलमान भी बहा रहे हैं और उसी का एक टुकड़ा है ये केरला, जो केरला स्टोरी एक मूवी भी आई थी जिसमें कांग्रेस ने मोर्चा खोला था, समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला था, ममता बनर्जी साहिबा ने मोर्चा खोला था, सारे विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया था और तब सर्वोच्च न्यायपालिका ये लोग चले गए कि ये मूवी दिखानी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब दूध का दूध पानी का पानी हुआ और जितनी भी विक्टिमाइज लड़कियां थी जब वो कैमरा के सामने आकर के अपनी दर्द भरी दास्तान को उन्होंने बताया तो फिर इनके मुंह में रसगुल्ला चला गया और कोई रिप्लाई ये दे नहीं पाए। तो केरला, कर्नाटका और वायनाड में मुजफ्फर भाई, अगर कोई भी ऐसी घटना आपके सामने आती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो मामूली कोई घटना हिंदुओं को आघात पहुंचाने के लिए या हिंदुओं को तकलीफ देने के लिए नहीं है, वो डायरेक्ट टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से कोई संवाद आया है, पैसे का बड़ा बड़ा बोरा आया है, कोई स्ट्रेटेजी दी गई है, तब जा करके केरला, कर्नाटका और वायनाड में इस घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मैं एक और वीडियो आज देख रहा था, मुझे एक जो पाकिस्तानी एक मेरा हिंदू भाई दोस्त है उसने सेंड की कि वो कहते हैं कि जी आप कहते हैं के भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तानी आम सोचते हैं कि जी बहुत तकलीफ में है, ये है वो है। उन्होंने एक समाजवादी पार्टी की एक रुकन पार्लियामेंट है, इकरा हुसैन चौधरी, उनकी वीडियो मुझे सेंड की कि वो एक मीटिंग में जा रही हैं, जब वो जैसे ही वो इंटर हुई हैं मीटिंग के अंदर, जितने वो एक सिर्फ महिला थी और बाकी सारे वो पुरुष बैठे थे, मर्द थे, वो सारे उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये देखें ये भारत है हमारा, हालांकि वो पाकिस्तानी हो, कह रहा ये भारत है कि वहां पर एक मुसलमान महिला की इतनी रिस्पेक्ट है कि सारे जो वहां पर हिंदू मौजूद थे उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। तो फिर भी ये लोग कहते हैं कि जी नहीं जी, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार, बहुत जुल्म हो रहा है। कह रहे देखे मेरे साथ जुल्म हो रहा है, वो भाई मेरा जो उसका तलक पाकिस्तान से है, कह रहा जुल्म तो हमारे साथ हो रहा है कि हमारी फैमिली के आधे से ज्यादा लोग जो हैं इस जुल्म का शिकार होकर पाकिस्तान छोड़कर वो भारत जा चुके हैं। तो वो ये सारी चीजें क्यों नहीं हम पाकिस्तानी भी सोचते, या ना भारत के अंदर मुसलमान इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं यहाँ पर, क्यों ये फिर वो भारत को अपना देश भी नहीं मानते और उसके खिलाफ ये सारी साजिशें करते रहते हैं। मुजफ्फर भाई, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में मुसलमान लड़कियां अत्याचारित तो हो रही है, उनके साथ अश्लीलता का नंगा नाच भी हो रहा है, उनको एड़ियों के नीचे कुचला भी जा रहा है, उनके साथ बहुत दर्दनाक घटनाएं भी हो रही, पर ये सब कुछ मुसलमान ही कर रहे हैं उनके साथ, उनके साथ कर रहा है वो मुसलमान ही कर रहा वहां का। अभी उत्तर प्रदेश में एक 12 साल की एक पिछड़े समाज की बच्ची का बलात्कार
समाजवादी पार्टी के मोईद खान ने किया है और उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, उसको पिल्स भी दिया था 12 साल की बच्ची का, और मोईद खान समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है उन्होंने किया है और अपने नौकरों को भी उसको उस बच्ची को हवाले किया और उसका वीडियो भी बनाया है और उसको धमकाया भी था कि अगर तुमने अपने माँ बाप को या किसी को बताया तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई 12 साल की उम्र में तो ये बात तो चर्चाएं पर आ गई। अब जब मोईद खान साहब को जेल कस्टडी कर लिया गया है और उनके जितने भी अवैध घर थे, उनकी बेकरी थी और जितना नोट उन्होंने अखिलेश यादव के गोद में बैठ करके और समाजवादी पार्टी का नेता बन करके उन्होंने कमाया था और मुसलमान समाज का ठेकेदार बनकर कमाया था, अब जब उस पर बुलडोजर चल रहा है योगी जी का तो सारे मुसलमान मातम कर रहे हैं बिना मुहर्रम के कर रहे हैं। मुसलमान बेटियां मुजफ्फर भाई गालियां तो खाती हैं लेकिन मुसलमान पुरुष से, मुसलमान बेटियां अत्याचारित तो होती हैं लेकिन मुसलमान पुरुष से, मुसलमान बेटियां बेइज्जत बेआबरू तो होती हैं लेकिन मुसलमान पुरुष से, मुसलमान बेटियों के कपड़े तो खोले जाते हैं लेकिन खोलने वाला मुसलमान पुरुष होता है, मुसलमान बेटियों की माओं को लफ्जों से नंगा तो किया जाता है पर मुसलमान पुरुष ही करते हैं, मुसलमान बेटियों के शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया तो जाता है लेकिन मुसलमान पुरुष ही उड़ाते हैं, मुसलमान बेटियों को शिक्षित ना होने देने का कार्रवाई और स्ट्रेटेजी तो होता है लेकिन मुसलमान कम्युनिटी ही करती है, मुसलमान बेटियों के पैर में बेड़ी लगाने का काम होता तो है भारत में पर मुसलमान ही करता है, मुसलमान बेटियों के सलवार को झांकने का काम होता तो है भारत में, प्यूबर्टी का इंतजार होता तो है भारत में लेकिन मुसलमान पुरुष ही करते हैं, मुसलमान बेटियों को उसके अधिकार से दूर रखने का काम तो होता है भारत में लेकिन मुसलमान पुरुष ही करते हैं। बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत ही दुख वाली बात है कि अपनों के हाथों से अपने ही लुट रहे हैं यहाँ पे, बहुत जरूरी। मेरे हो जाते हैं मुजफ्फर भाई और मतलब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं इस बहुत अत्याचारित मुसलमान बेटियों से मिलती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस आता है, और जब मैं शैतानी बुद्धि किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की मुसलमान बेटी से मिलती हूँ तो तब भी मुझे बहुत अफसोस आता है कि इसकी जिंदगी क्या होगी, ये कहाँ जाएगी। आप देखिए कि लश्करे तैबा की एक स्लीपर सेल थी मुस्कान, जिसने हिजाब के लिए नारे तकबीर का नारा बुलंद किया था, और वो मुस्कान जो साड़ी पहन करके जीन्स पहन करके कजरारे नैना पर डांस करती थी उसी कॉलेज में के फेयरवेल पर, और अचानक से वो हिजाब पहनने लगी और उसने नारे तकबीर का नारा बुलंद किया और कुछ दिनों के बाद लश्करे तैबा के चीफ का मैसेज समर्थन मुस्कान के लिए आ गया और पूरी जिंदगी के लिए मुस्कान के लिए भारत छूट गया। आज मुस्कान जैसे हम सीना चौड़ा कर करके इस पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, अपना पासपोर्ट लेकर के इस पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, मुस्कान एक मुस्लिम कंट्री से दूसरे मुस्लिम कंट्री नहीं जा सकता, अपने पासपोर्ट को सरेआम नहीं दिखा सकती है। आज वो केसेस सर्वोच्च न्यायपालिका में हिजाब के चल रहे हैं, जो बेटियां उसके साथ मुसलमान हिजाब के फेवर में खड़ी हुई थी आज वो मुंह छुपाती फिर रही है कि मैं किसके चक्कर में हिजाब के फेवर में खड़ी हो गई, ये तो लश्करे तैबा के की स्लीपर सेल निकली। तो बहुत अफसोस होता है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, लालच बहुत बुरी चीज है, और पैसे का लालच दे करके हमेशा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा कई मुसलमान बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो और चाहे वो भारत। बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमें सोचना समझना चाहिए, अपने दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, और इंसानियत हम बात तो करते हैं इंसानियत के, कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का दर्द देता है, दूसरों की खिदमत का दर्द देता है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ना तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और दूसरे की ज़िंदगी भी हम अजीरन कर रहे हैं, उसका जीना भी जो है वो हराम कर रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हमेशा की तरह आपने बड़ी सच्ची और खरी बातें की हैं, उम्मीद करता हूं कि शायद किसी के दिल में वो आपकी बात उतर जाए, वो इस तरह के कामों से वो बाज आ जाए, हमारा कोई भला हो जाए, इंडिया का भला हो जाए, पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िर अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जहाँ पे आपने देखा
नाजिया खान जी ने खुद अपनी ही कम्युनिटी को एक्सपोज किया। हिम्मत चाहिए नाजिया लाई खान जैसी कि अपने ही मजहब के बारे में बात कर सके और उस पर सवाल उठा सके। और आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे जो मुस्लिम मर्द हैं उनके ऊपर उंगली उठाई, कैसे वो अपनी औरतों को परेशान करते हैं और जो औरतें हैं वो दबाव में रहने के लिए मजबूर हैं। खासकर एग्जांपल अभी आपने देखी मोहित खान की, जो भारत में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने कई सारी हिंदू बच्चियों का बलात्कार किया। बाकी आशा करता हूँ कि नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।